तो चलिए गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो समरी, जो कि आपको एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पर हम आपको बहुत ही क्लियर तरीका से लाइन में लाइन आपको समझा देंगे समरी, ताकि आपको याद करने में जरा सा भी दिक्कत ना हो और आप बहुत आसान तरीका से इसको याद कर सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में 5 नंबर का यह क्वेश्चन पूछता है। और ये पोएट्री सेक्शन का आपका पहला समरी है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन ये समरी पूछता रहता है, तो आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और लाइन में लाइन समझा देंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा याद करने में। तो चलिए इसको समरी को देखते हैं और पढ़ते हैं कि भाई ये समरी क्या बोल रहा है। चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो समरी है, और 8 to 11 क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया, और वो हमेशा ओल्ड मीनिंग का यूज करते थे, जिसमें लास्ट में उनका लिखने का मतलब ये रहता था कि लास्ट में हर एक के अस्टेंजा में वो लास्ट में ई जोड़ देते थे, उनका ओल्ड मीनिंग ज़्यादा यूज करते थे, साथ में ई जोड़ने का उनका एक स्टाइल ही था, उनका कुछ अलग ही स्टाइल था। जब आप उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको बारी बारी से बहुत ही ध्यान से समझेंगे, तो आपको वहाँ से 5-6 नंबर ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड पूछता है, तो आप वहाँ से आसानी से बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन में भी हम आपको लाइन बाई लाइन बताया हूँ, आप वहाँ पर जाकर के इंट्रोडक्शन वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं, जिसमें से आपको आसानी से 1-2 नंबर के लिए आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। चलिए समरी को पढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो समरी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उन्होंने बहुत ज़्यादा किसी अपने प्रेमिका से लव करते हैं, जिनका नाम है उनका प्रेमिका का नाम है एन मोर नाम है, आई डू नॉट गो, वो अपने बिलव से बता रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ। नॉट गो इज अ लव पोयम, यह एक ऐसा पोयम है, एक प्रेम भरा पोयम है, और रिटेन या कंपोज्ड बाय जॉन डॉन, जो कि रिटेन लिखा गया है किसके द्वारा, के भाई मतलब होता है कि ये द्वारा जॉन डॉन के द्वारा लिखा है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो अ लव पोयम है, और जिसके लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा। चलिए इसमें आप पढ़ते हैं, इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब, इस कविता में कवि डिस्क्राइब मतलब वर्णन किए हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रू लव, उन्होंने बताया है इस कविता में कि उन्होंने बताया था कि इस कविता में कवि दर्शाते हैं बताते हैं वर्णन किए हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ लव ट्रू लव सच्ची प्रेम की जो महत्व है उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। इन ह्यूमन लाइफ की मानव जीवन में जो भी सच्ची प्रेम है उसके बारे में इस चैप्टर में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है। द पोएट इज गोइंग अवे, जो कवि है गोइंग अवे मतलब दूर जा रहा है, फॉर्म ने हिज बिलोव अपने प्रेमिका से कवि दूर जा रहा है, उस जब वो दूर जा रहे थे तो उसी समय ने इस कविता को लिखे हुए थे, और इस कविता के माध्यम से अपने एन मोर जो उनकी वाइफ थी उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर अब आगे पढ़ते हैं, सी बिकेम्स वेरी सैड, जब उन्होंने अपने प्रेमिका से कहते हैं कि हम जा रहे हैं दूर जा रहे हैं कहीं पर, तो उन्होंने सी बिकम्स, और फिर वो क्या हो जाते हैं बिकेम्स वेरी सैड, और बहुत ही क्या हो जाते हैं वेरी बहुत उदास हो जाते हैं, कौन उदास हो जाता है तो एन मोर उदास हो जाती है। द पोएट कंसोल्स, और उन्होंने कवि संतावना देते हैं हिज बिलोव्ड अपने वाइफ को ओवर अ टेम्पररी सेपरेशन, और बताते हैं कि उन्होंने पोएट कंसोल संतावना देते हीज अपने बिलीव को अपने प्रेमिका को ओवर अवर टेम्प्रोरी, बता रहे हैं कि ये टेम्प्रोरी ये जो क्षणिक जुदाई है, कोई ज़्यादा जुदाई नहीं है, क्षणिक जुदाई है कि मतलब कि कुछ ही दिनों का जुदाई है, जो कि बहुत ही जल्द हम वहाँ से आ जाएंगे। अपने कविता में अस्टेंजा में बताए हुए हैं कि हम जिस तरीका से सूरज सुबह में जाता है और शाम में जाता है और सुबह में आ जाता है, उसी तरीका से वो बता रहे हैं कि जिस तरीका से उनका भी इच्छा है उसी तरीका से इनका भी इच्छा है, और ये थोड़ी सी जुदाई है, ज़्यादा कुछ जुदाई नहीं, इसी बारे में ये बताते हैं। और कहते हैं ही सेज डैट, और कहते हैं कि ही इज गोइंग अवे फ्रॉम हर, वो बताते हैं कि वह गोइंग अवे दूर जा रहे हैं फ्रॉम हर उनसे, बट नॉट बिकॉज इसलिए वो दूर इसलिए नहीं जा रहे हैं, ही इज टायर्ड कि वो फॉर ऑफ हर कि उनसे वो क्या कर चुके हैं अपने वाइफ से क्या हो चुके हैं वो थक चुके हैं उब चुके हैं। देखिए इस कविता में बताते हैं कि उन्होंने बताया है कि ही इज टायर्ड, उन्होंने बताया ही सेड कहते हैं कि ही इज गोइंग अवे दूर जा रहे फॉर्म हर तुमसे दूर जा रहे नहीं इसलिए नहीं जा रहे बट नॉट बिकॉज इसलिए नहीं जा रहे ही इज टायर्ड कि हम थक चुके हैं।
फोर ऑफ हर तुमसे। द पोएट एज्योर्स वो भरोसा दिलाते, कवि भरोसा दिलाते हैं हिज ब्लड अपने पत्नी को, हिज ब्लड कि ही विल कम बैक, और भरोसा दिलाते हैं कि हम बहुत ही जल्द आ जाएंगे, बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। आज द सन कम बैक, जिस तरीका से सूरज सुबह में शाम में जाता है और सुबह में आ जाता है, उसी तरीका से सूरज के पास तो ना तो कोई इच्छा रहता है, ना भी कोई आशा रहता है, ना कुछ उम्मीद रहता है। फिर भी वो बताते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं रहता, फिर भी वो सुबह में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे पास तो काफ़ी सारी इच्छाएं हैं, और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी इच्छा भी है, और यहाँ पर एनमोर वाइफ भी है उनका, इसीलिए वो बताते हैं कि बहुत ही जल्द यहाँ पर हम आ जाएंगे। ही टेल्स हर, और वे कहते हैं डैट हिज पार्टिंग इज नथिंग इन कंपेरिजन टू द फाइनल पार्टिंग। वो कहते हैं कि डेट इज पार्टिंग, यह जो पार्टिंग है, ये जो जुदाई है, इट इज नॉट इन कंपैरिजन कि नथिंग, कोई तुलना में नहीं है फाइनल पार्टिंग, मतलब कि जो लास्ट जुदाई है, जो लास्ट जैसे मरने का समय का जो जुदाई होता है उसकी तुलना में ये जुदाई बहुत कम है। देखिए नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि ही टेल्स कहते हैं डेट पार्टिंग इज नथिंग इज कंपेरिजन, मतलब कि वो जुदाई से कुछ भी कुछ कम नहीं है टू द फाइनल पार्टिंग, मतलब डेट जो समय के बाद मृत्यु संया पर जब बैठा रहता है उस इंसान, जब उस समय का जो जुदाई होता है उस जुदाई से ये कुछ भी नहीं है। विच कम्स विथ डेट, जब उन्होंने बताया था कि जब मृत्यु आ जाता उस समय की जो जुदाई है उससे ये कुछ भी नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसका किसका करते हैं ये मृत्यु से ये तुलना करते हैं। सो इसलिए सी शुड नॉट सेड टीयर, अब ये बताते हैं कि वो फिर कहते हैं कि नॉट सेड मतलब कि बहाना मत, आंसू बहाव मत, क्या करते हैं सेड मतलब होता बहाना, टीयर मतलब होता आंसू, ओवर हिज डिपार्चर मतलब कि जाने पर रवानगी, वो फिर कहते हैं कि हमारे रवानगी पर जाने पर आंसू मत बहाओ। ही फर्दर, और वो आगे कहते हैं, और वह ही मतलब वह फर्दर मतलब आगे से डैट कहते हैं इवन इफ मतलब भले ही ही डाइज भले वो मर जाएंगे, वह क्या हो जाएंगे मर जाएंगे, ही विल बी प्रेजेंट इन हर, फिर भी वो बताते हैं कि भले ही मर जाएंगे फिर भी हम प्रेजेंट रहेंगे आपके अंदर, क्या है तुम्हारे अंदर क्या रहेंगे, हम प्रेजेंट रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, मर जाएंगे फिर भी। सो देयर इज नॉट क्वेश्चन, इसीलिए कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं होता है ऑफ सेपरेशन, वो इसलिए वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि कोई सवाल ही नहीं उठता है ये इस जुदाई का, सेपरेशन मतलब होता है जुदाई। दज मतलब होता है इस प्रकार, द पोएट मीन्स टू सेज डेट कहते हैं, अतः कवि कहता है कहने का मतलब यह है कि टू लव्स कैनॉट बी सेपरेटेड, मतलब कि जितने भी सच्चे प्रेमिका है वो कैनॉट बी सेपरेटेड मतलब कि सेपरेटेड मतलब कि जुदाई कभी भी जुदाई नहीं हो सकता है, इवन बाय डेट मतलब डेट आने के बाद भी, डेट के भी अगर डेट हो जाने के बाद भी वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं, जुदाई नहीं हो सकते हैं। दे आर नेवर पार्टेड, वे लोग कभी भी पार्टेड मतलब कि जुदाई नहीं हो सकते, फॉर्म ईच अदर एक दूसरे से, जो यहाँ पर बताए हैं कभी कभी कहा है कि जो ट्रू लव करता है वो कभी भी एक दूसरे से नेवर पार्टेड कभी नहीं पार्ट हो सकता है, जुदा होता है फॉर्म ईच अदर एक दूसरे से। तो गाइज इसमें से आपको समझ में आ गया होगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का इंट्रोडक्शन जब पढ़िएगा तो बहुत ही गहराई से हम आपको बताएंगे, और बताया हुआ भी है, आप वहाँ से वीडियो जाकर के देख सकते हैं, और इसमें से कोई भी लाइन अगर आपको समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहाँ से हम आपको दोबारा से भी ये वीडियो बना करके भी डाल सकते हैं। तो चलिए गाइज बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और बारी बारी से इसको उतार भी लीजिएगा, आपको एक नंबर भी इसमें से कटने वाला नहीं है। तो चलिए गाइस बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।